एमएन श्रीनिवास के अनुसार निम्न जातियों के अतिरिक्त आज निम्नांकित में से भारत के किस समुदाय में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण है? जनजातीय समुदाय में भी संस्कृति, क्योंकि जनजातीय समुदाय खास तौर से हिंदू समाज को और हिंदू समाज के तौर तरीके को अपनाने लगते हैं और वो हिंदू बन जाते हैं। आगे आइए, इसलिए आप ये बताइए, जी एस घुरिया ने कहा उसे पिछड़े हिंदू के रूप में कहा। जी एस घुरिया ने जनजातियों को क्या कहा, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पिछड़े हिंदू का ये क्वेश्चन खूब आता है, बार बार आता है। पिछड़े हिंदू जनजाति को कहा था जी एस घुरिया ने। तस्मीकरण के अवधारणा में अनेक मूल्यों का समावेश है, निम्न में से तस्मीकरण किससे संबंधित है? तो पश्चिमीकरण एक मानववाद से भी है और बुद्धिवाद से है, क्योंकि रैशनलिटी आ जाती है, लॉजिक आ जाता है। बुद्धिवाद का मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है, ये दोनों सही होगा, ए भी सही है। निम्नांकित में से पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा कहा जाता है? किस तरह की अवधारणा, एक तटस्थ अवधारणा है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, एक आधुनिक अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा, मूल रहित अवधारणा, तटस्थ अवधारणा आप कह सकते हैं। एमएन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्न में से सर्वाधिक महत्व दिया, भारत में ब्रिटिश शासन को। भारत में ब्रिटिश शासन जब आया तब पश्चिमीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। निम्नांकित में से किसका संबंध पश्चिमीकरण से है? समताकारी व्यवस्था से, मानववादी से, तार्किक विचार से, यानी इक्वलिटी आई, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आया और लॉजिक आया पश्चिमीकरण से। आगे आइए, पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग एमएन श्रीनिवास ने किया, ये गलत है। पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग एमएन श्रीनिवास ने किया। एमएन श्रीनिवास के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी दशा भारत में आधुनिकीकरण की वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण आधार है? पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण के अनुसूचित जाति का आरक्षण, द्विकरण और पंचवर्षीय योजना। देखिए, भारत में आधुनिकीकरण आया पश्चिमीकरण से, ये बात बिल्कुल सही है। जो पहले पश्चिमीकरण आया उसके बाद, देखिए आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में थोड़ा सा फर्क है। पश्चिमीकरण में हम पश्चिमी सभ्यता को आंख मून करके अपनाने लगते हैं, वो गलत है। लेकिन आधुनिकीकरण में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रैशनल चीजों को अपनाते हैं, इन दोनों के फर्क को। पश्चिमीकरण में पश्चिमी स्टाइल, खान पान, उठना बैठना, रहना सहना और कोई भी बेवकूफी भरा चीज भी अपनाने लगते हैं। पश्चिमी सभ्यता को आंख मून करके अपनाना पश्चिमीकरण है, उसमें कुछ अच्छी चीज भी आ जाती है, बुरी भी आ जाती है। लेकिन आधुनिकीकरण में सिर्फ रैशनलिटी, लॉजिक, साइंस को अपनाते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित कौन सी विशेषता पाई जाती है? वर्तमान भारतीय समाज में परंपरा तथा आधुनिकता का सातत्य होता है, एक कंटिन्यूटी होती है। आधुनिकता का अभाव, परंपराओं का विरोध, परंपरा तथा आधुनिकता का संघर्ष बिल्कुल नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित है? धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, नगरीयता में वृद्धि, सभी 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 उत्तर सही है, तो आप सभी को याद करें। आधुनिकीकरण की अवधारणा, अब देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जो आपने आप अभी याद देखा कि आधुनिकीकरण से संबंधित है, तो इसको जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, और बार बार प्रैक्टिस का मतलब कम से कम 100 का टारगेट रखिए, 100 बार प्रैक्टिस, और ये हो सकता है या आप ये मान लें इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल इस पेपर को, ये पेपर आपको हर जगह क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पेपर को बिल्कुल आप नहीं छोड़ें, आगे बढ़िए। आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध कुछ विशेष मूल्यों को ग्रहण करने से है, निम्नांकित कौन सा मूल्य आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नए विचारों के लिए स्वीकृति, सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्धता, विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता, ये कोई मतलब नहीं है आधुनिकीकरण का। औद्योगिकरण का एक प्रमुख परिणाम है, औद्योगिकरण के कारण राजनीतिक अपराधीकरण भी हुआ, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता आई है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत हुआ है प्रदूषण। औद्योगिकरण से पहले भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता थी, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय हुआ करता था, एक्सचेंज, भाई चावल ले लो, गेहूं दे दो, गेहूं ले लो, आटा ले लो, आटा दे दो, मतलब हर चीज एक्सचेंज होता था, यानी मुद्रा नहीं थी।
निम्नांकित में से कौन सी रथा औद्योगकरण का परिणाम नहीं है? संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, जातीय प्रभाव में कमी आई, औपचारिक नियंत्रण की स्थापना हुई यानी पुलिस आया, लेकिन गांव पंचायतों की स्थापना क्यों होगी भैया औद्योगकरण के आने से? ये तो घट गया, तो ये सही है। यहाँ पे देखिए नहीं नहीं वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, यानी गलत आंसर ढूंढना है। आगे आइए, औद्योगिकरण की दिशा में कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है? देखिए औद्योगिकरण आया तो सहयोग भी आया, संघर्ष भी आया, लेकिन सबसे ज्यादा आया प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ गया भाई। अब ऐसा है कि एयरटेल का मोबाइल है, रिलायंस का है, जियो का है और वोडाफोन का है, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा वो उसको लोग अपनाएंगे। पुरानी मशीनों की जगह आधुनिक मशीनों की स्थापना करने की दिशा का नाम है विवेकीकरण, लॉजिक, रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको, मशीनीकरण नहीं, विवेकीकरण यानी अकल का यूज करना। अकल का यूज कैसे हुआ कि पुरानी मशीन में अगर आप काम कर रहे, बहुत ऊर्जा खर्च होती, बहुत पेट्रोल, बहुत ज्यादा एनर्जी, चाहे वो कोयले के रूप में खर्च हो, लेकिन नई मशीन का कॉस्ट ज्यादा है लेकिन उसका खर्चा कम आता है, तो विवेकीकरण यानी लॉजिक का रूप। औद्योगिकरण किस श्रेणी के देशों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? विकासशील देश के लिए औद्योगिकरण विकासशील देशों के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नांकित में से कौन से निम्नांकित में से औद्योगिकरण के लिए आवश्यक दशा है? न्यू टेक्नोलॉजी, श्रम शक्ति, लेबर भी होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन, सभी सभी। बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले किस वस्तु की मिलें भारत में सबसे अधिक है? सबसे अधिक भारत में कपड़े की मिल है और चीनी की मिल है। बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है कपड़े की मिल से। सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाले उद्योग के लिए क्या कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग, सरकार के नियंत्रण में जो है उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का लक्षण क्या है? लक्षण है श्रम एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, सभी सभी उत्तर सही है। औद्योगिकरण आएगा तो श्रम विभाजन आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, श्रम विभाजन यानी डिविजन ऑफ लेबर, और श्रम सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि होगी, लेबर बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? नहीं नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, इस पे ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण होता है, नहीं पर ध्यान दिया, औद्योगिकरण नहीं है। हस्तशिल्प का विकास क्यों होगा भाई? औद्योगिकरण से बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा, व्यक्तिगत लाभ की वृद्धि होगी, जीवन स्तर होगा, बिल्कुल सही, जो है उसको आप याद करिए। नहीं, हस्तशिल्प का विकास नहीं होगा, औद्योगिकरण होगी तो हस्तशिल्प तो खत्म होगा। वर्तमान दशाओं में किसे नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाला कारक कहा जाता है? ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, प्रौद्योगिक विकास, ग्रामीण गुटबंदी, सभी सभी। भाई जनसंख्या में वृद्धि होगी गांव की तो वहां दुकानें बन जाएंगे, नगर बन जाएंगे, इस एजुकेशन के लिए स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, धीरे धीरे दुकानें खुलेंगी तो खुद ही शहर बन जाएगा। सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और उसके प्रकार जो होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन, ये किंग्सले डेविस वाला परिभाषा आ गया। परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है, परिवर्तन होना है, ऐसा नहीं है मानव द्वारा निर्मित नहीं है, मानव भी कोशिश करता है लेकिन नहीं भी कोशिश करेगा तो भी, बच्चा को बुरा होना है चाहे नहीं चाहे तो भी होगा। मानव की आदतों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। वेबलन। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन, ढांचे या प्रकार कोई भी परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अनिवार्य है, कंपलसरी होना है, न विभाजन की न विघटन की, किसी भी साइड में ये जा सकती है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम निम्न से किस विद्वान ने माना? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माना कॉम्प ने कहा, जैसे जैसे बौद्धिक विकास होता है धार्मिक अवस्था से तात्विक अवस्था और तात्विक अवस्था से वैज्ञानिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं अगस्त कॉम्प ने क्या, देखिए अगस्त कॉम्प की थ्योरी आ गई तो कितना, मतलब सामाजिक परिवर्तन कितना व्यापक है, इसमें सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। क्यों हुआ? जब इंसान का अकल बढ़ा, अकल बढ़ा तो बौद्धिक अवस्था उसको कहते हैं। तो आ गया ये, सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है, सामाजिक परिवर्तन दिखने वाली चीज नहीं होती, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। समाजशास्त्र के रूप में हमारा प्रत्येक संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है। देखिए सामाजिक संबंधों की बात हो रही है, उस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर पेज का पहले से ही क्लियर है, आगे बढ़िए।
एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्विकास। देखो, उद्विकास में निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक विलंबन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की? ऑगबर्न ने की। ऑगबर्न ने कल क्या कह रहे के कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबन को माना है सामाजिक परिवर्तन का आधार। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे प्रगति कहते हैं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहते हैं जब इच्छा से आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा हर चीज हो जाए, रोड हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी।